हेलो क्लास सेवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हार्ट। आप देखिए ये फिगर, ऊपर में हमने इसको लंग लिया है, लंग, और नीचे में ये लंग है, ये लेफ्ट लंग है, ये राइट लंग है, ठीक है। इसके बाद ये हार्ट है। हम आपको बताने वाले हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर, कि ऊपर में लंग है, लंग से जो ये लाइन आ रही है, आप देख रहे हैं ये वाली लाइन, इसको कहते हैं पल्मोनरी वेन, ठीक है। और हार्ट से जो बॉडी पार्ट्स में, यहाँ इसमें बॉडी पार्ट्स में जो ये लाइन आ रही है, इसको कहते हैं आर्टरी। मैं इसको रेड कलर से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है यहाँ से लेफ्ट आर्ट्रियम में, आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। उसके बाद ब्लड यहाँ पर बॉडी पार्ट्स में, सेल में इस्तेमाल हो जाता है, यूज़ हो जाता है। यूज़ होने के बाद यहाँ से अब ये थोड़ी सी ब्लूइश कलर में हो जाएगी, ठीक है। तब यहाँ पे ये जाएगा हार्ट के ऊपरी हिस्से में, यानी राइट आर्ट्रियम में, और राइट आर्ट्रियम से नीचे आएगा राइट वेंट्रिकल में, और अब यहाँ से अब ये ऐसे जाएगा ये वापस लंग्स में, यानी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये डीऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। और इधर रेड वाला ये ऑक्सीजनेटेड, इसके अंदर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ये लिया हुआ है। तो आप समझिए, यहाँ पर आर्ट्रियम से, सॉरी, लंग से जो आर्ट्रियम में ब्लड आ रहा है, ये इसको कहते हैं पल्मोनरी वेन। इसमें ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है यहाँ पर, और यहाँ पर सेलुलर नॉर्मल जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है वो होगा, इसलिए इसको क्लास टेन में हम लोग पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। तो डबल सर्कुलेशन का मतलब एक सर्कुलेशन ये यहाँ पर हो रहा है, यानी लंग से हार्ट में ब्लड आ रहा है, और दूसरा सर्कुलेशन हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, है ना, ये वाला सर्कुलेशन हार्ट से बॉडी पार्ट्स में और बॉडी पार्ट से हार्ट में। तो ये दो सर्कुलेशन करता है हार्ट। पहले इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं हम, ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम पूरा। स्ट्रक्चर के बारे में आप जानिए, जैसा कि आपके आपका बुक कहता है, द हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है ना, और इट एक्ट्स एज अ पम्प, ये एक पम्प की तरह एक्ट करता है ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए, ये पम्प की तरह से यूज़ करता है, ये प्रेशर देता है और ब्लड हर कोने तक, हर सेल तक पहुंचता है। इट्स अबाउट द साइज ऑफ योर फिस्ट, फिस्ट कहते हैं मुट्ठी को, आपके मुट्ठी के बराबर। हर आदमी का हार्ट उसके अपने हाथ से जो मुट्ठी बनती है उस साइज का है। इट लाइज इन द चेस्ट कैविटी बिटवीन द लंग्स, लंग्स है ये रहा, आपको मैं दिखाता हूँ, ये लंग्स है, और इसके ठीक नीचे हार्ट होता है। थोड़ा टिल्टेड होता है, थोड़ा इंक्लाइंड होगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, यहाँ से ये ब्लड इसमें आएगा। इसके दो चैम्बर होते हैं बने हुए, और वो भी डिवाइडेड होते हैं हाफ हाफ, ये वाल्व है ऐसा, इधर भी हाफ वाल्व होगा ऐसा। ऊपर वाले को कहेंगे लेफ्ट आर्ट्रियम, नीचे वाले को कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर राइट आर्ट्रियम, नीचे वाला लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। अब देखिए, समझने वाली बात है, जो हार्ट से ब्लड निकलेगा, ये देखिए ब्लड यहाँ, पहले तो लंग से यहाँ आया ब्लड, यहाँ से इसके नीचे आएगा आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से चलेगा तो ये बॉडी पार्ट्स में जाएगा। बॉडी पार्ट से जब निकलेगा तो ऊपर आएगा इसके अंदर राइट आर्ट्रियम में, फिर वहाँ से राइट वेंट्रिकल में, ठीक है,
और राइट वेंट्रिकल से ये वापस तब इधर से फिर लंग्स जाएगा, यानी ये डबल सर्कुलेशन करता है। एक सर्कुलेशन यहाँ पर हो गया लंग्स और हार्ट के बीच में, और एक हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में, ठीक है। तो ये दो सर्कुलेशन करता है। अब आइए बुक के बारे में समझते हैं, बुक क्या कहता है। बुक कहता है कि द हार्ट इज़ डिवाइडेड इंटू टू हाफ्स बाई थिक वॉल। ये आपने देख लिया, हार्ट जो है थिक वॉल से डिवाइडेड है। इसको हम फ्रेश थोड़ा कर लेते हैं। ये डिवाइड रहता है, और जो आर्टरीज़ हैं वो काफ़ी थिक होता है। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है क्यों थिक होता है, क्योंकि प्रेशर होता है जो पंप करेगा ब्लड, तो काफ़ी तेज़ प्रेशर के साथ पंप करता है, ठीक है। इसको हम दो चैम्बर इस तरह से बनाते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये हो गया आपका लेफ्ट आट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर हो जाएगा राइट आट्रियम, ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब समझिए आप, नीचे बॉडी पार्ट से बीपी, लंग से ब्लड आया इसमें, काफ़ी प्रेशर के साथ आएगा। ये रेड मैं इसीलिए ले रहा हूँ कि यहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें आया, ये इसमें आने के बाद ये इसमें ट्रैवल करेगा। ये बैक फ्लो नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये वाल्व है। वाल्व क्या होता है, आप अगर दोनों जो फोर फिंगर हैं आपके उनको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो देखिए ऐसा ऐसा ज्वाइन होगा, ठीक है। तो जब ये ज्वाइन होगा तो ऊपर से कोई चीज़ डालिए नीचे तो आराम से खड़क से चला जाएगा, लेकिन अगर आप बैक डालिए तो वो दोनों उंगलियां आपकी क्या होगी, रोक देगी, उसको नहीं जाएगा, बैक फ्लो नहीं हो पाएगा। तो ये बैक फ्लो को रोकने के लिए ये वाल्व लगे होते हैं, ठीक है। इसमें आ गया ये लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पर, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ये ब्लड चला जाएगा, ब्लड बॉडी पार्ट्स में आ जाएगा, यहाँ पर ये यूज़ होगा। यूज़ होने के बाद क्या होता है, उसके अंदर से ऑक्सीजन हो गया ख़त्म। जब ऑक्सीजन ख़त्म हो गया अब इसकी रेड कलर नहीं रहेगी, अब ये कैसा हो जाएगा, थोड़ा ब्लूइश। आप देखिएगा आपके बॉडी में जो वेन्स हैं, क्योंकि ये आर्टरीज थे, ये जो अभी तक आ रहे थे ये सब आर्टरीज आ रहे थे, अब यहाँ से ये वेन्स होंगे, वेन्स ब्लू कलर का चलेगा, और कहाँ जाएगा, ये ऊपर में आएगा, यहाँ राइट आट्रियम में आएगा। राइट आट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन फिर अपने राइट वेंट्रिकल में आएगा, और फिर राइट वेंट्रिकल से तब ये वापस ऊपर जाएगा लंग्स को। ये लंग्स से आ रहा था और वापस गया, ये बात आप समझ लीजिए। देखिए ऊपर से नीचे कोई, हार्ट में दोनों केस में ऊपर से नीचे ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिए। उसके बाद कहता है कि द हार्ट इज़ डिवाइडेड इंटू टू हाफ्स बाय अ थिक वॉल, दिस वॉल प्रिवेंट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो वॉल है आपका, मैं अगेन इसको थोड़ा रेड कलर में दिखाता हूँ, ये जो वॉल है ये मोटा होता है काफ़ी, और आर्टरीज के भी वॉल, आट्रियम के भी पूरे वॉल थोड़े मोटे होते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रेशर होता है। ये जो आर्टरीज हैं इनकी भी जो वो होती है वो काफ़ी मोटी होती है, तो इधर वाला जो पार्ट है वो हार्ट का काफ़ी मजबूत पार्ट है और इसमें प्रेशर भी बहुत होता है। लेकिन जो ब्लू वाला पोर्शन देख रहे हैं इसमें प्रेशर कम होता है। ईच हाफ ऑफ द हार्ट इज़ डिवाइडेड इंटू एन अपर चैम्बर कॉल आट्रियम। आप देखिए इधर भी आट्रियम, इधर भी आट्रियम, ऊपर वाला दोनों आट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल, लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ब्लड कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंटर्स द राइट साइड थ्रू टू मेजर वेन्स। ये यहाँ से ब्लू वाला कलर देखिए, ये ऊपर जा कर के कहाँ आता है, वेन्स के होकर के कहाँ जाएगा, राइट साइड ऑफ द हार्ट में। द हार्ट पम्प्स इट इंटू टू आर्टरीज विच कैरी इट टू द लंग्स। ये वापस कहाँ चला जाता है, ऊपर लंग्स को। इन द लंग्स
द ब्लड गिव्स अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड पिक्स अप ऑक्सीजन। यहाँ लंग्स में जा करके क्या होगा कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वो दे देगा, आप एल्वियोली में पड़े थे वो दे देगा, और ऑक्सीजन फिर वापस ले लेगा। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, कैरिंग ऑक्सीजन देन इंटर द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। अब फिर ऑक्सीजन ले करके वो कहाँ आ जाएगा, फिर से वो अब जब ऑक्सीजन ले लेगा तो फिर से वो रेडिश हो जाएगा, तो फिर आ जाएगा लंग से यहाँ, विच पम्प्स इट इनटू अ बिग आर्टरी, बड़े आर्टरी में एओर्टा बोलते हैं उसको, उसमें आ जाएगा, ठीक है। और इधर जो ये लंग्स क्या नाम है, जो ब्लू वाले लाइन है, ये वेना कावा होता है, सुपीरियर और इन्फेरियर। ऊपर वाले में सुपीरियर वेना कावा, नीचे वाले में इन्फेरियर वेना कावा। इधर भी ऊपर वाला जो आर्टरी आ रहा है उसको कहेंगे सुपीरियर एओर्टा, नीचे वाला इंटीरियर एओर्टा। ब्रांचेज ऑफ दिस आर्टरी कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ये वाला पार्ट रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट में ये पहुंचा देता। तो ये पूरी स्ट्रक्चर थी इसकी, और बुक में आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वो स्ट्रक्चर आपको बनाना है। ये मैंने समझाने के लिए लिया था, बनाइएगा आप कॉपी में, और सारा कुछ जितना क्वेश्चन आंसर है वो करने की कोशिश कीजिएगा। अभी हालांकि दो तीन टॉपिक बचा हुआ है जो हम लोग मंडे को करेंगे, उससे पहले आप जितने 20 वर्ड्स एंड 40 वर्ड्स हो सकते हैं वो कंप्लीट करके रखिएगा। दैट इज़ ऑल फॉर टुनाइट। ओके, थैंक यू।